दोस्तों, मैं हूँ जया और आज हम सब जिम्नास्टिक्स के बारे में जानेंगे। जिम्नास्टिक्स एक व्यक्तिगत खेल है जो इंडोर में खेला जाता है। एक अच्छा जिम्नास्ट बनने के लिए वॉल्ट टेबल, अनइवन बार्स, बैलेंसिंग बीम, फ्लोर एक्सरसाइज से जुड़े सभी कौशल जानना बहुत जरूरी है। इसमें पॉमेल हॉर्स, रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार जैसे उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको खेलने के लिए संतुलन, ताकत, लचक, चपलता, समन्वय और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जिम्नास्टिक्स के मूवमेंट्स की वजह से पैर, कंधे, पीठ, सीना और पेट की मांसपेशियों के समूह विकसित होते हैं। इसके अलावा मुस्तैदी, सुदृढ़ता, साहस, आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन जैसे मानसिक लक्षण को भी जिम्नास्टिक्स द्वारा विकसित किया जा सकता है। जिम्नास्टिक्स कॉम्पिटिशन्स को इन श्रेणियों में बांटा गया है। कैडेट बॉयज 8 से 10 साल, कैडेट गर्ल्स 10 साल से नीचे, मिनी बॉयज और गर्ल्स 10 से 12 साल, सब जूनियर बॉयज और गर्ल्स 12 से 14 साल, जूनियर बॉयज और गर्ल्स 14 से 17 साल, सीनियर बॉयज और गर्ल्स 17 साल से ऊपर। जिम्नास्टिक्स में किसी भी तरह के उल्लंघन में पेनल्टी के तौर पर या तो अंतिम स्कोर में से 0.30 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं या एक्सरसाइज को ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। वायलेशंस कई तरह से होते हैं, जैसे गलत कपड़े पहनना, एक्सरसाइज के शुरुआत और अंत में जज को एक्नॉलेज ना करना, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 30 सेकेंड से ज्यादा समय लेना, गिरने के बाद फिर से जारी करने में 30 सेकेंड से ज्यादा समय लेना, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद पोडियम पर फिर से चढ़ जाना या एक्सरसाइज के दौरान कोच से बात करना। क्यों दोस्तों, क्या आप जिम्नास्ट बनने के लिए तैयार हैं?